नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। नसरुल्लागंज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय गान की अवमानना का मामला सामने आया है। इससे पूर्व भी दो बार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर बात को रफा दफा कर दिया। वहीं अब एक बार फिर राष्ट्रीय गान को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में विधायक कप टूर्नामेंट के अंतर्गत खो खो एवं कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के आने से पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ जनप्रतिनिधियों को मैदान में खड़ा कर कार्यक्रम का संचालन कर रहे विकास यादव द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। जब वह विश्राम की मुद्रा में खड़े रहे तो वहीं राष्ट्रगान की आखिरी लाइन को भी नहीं गाया गया। संचालक महोदय को न जाने क्या जल्दी थी कि राष्ट्रीय गान को अधूरे में ही छोड़कर आयोजकों की तारीफों के पुल बांधने में लग गए, जो राष्ट्रीय गान की अवमानना की श्रेणी में आता है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह होगा कि इस लापरवाही पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है या फिर पुराने मामले की तरह इस मामले को भी जांच के नाम पर दबा दिया जाएगा। क्या मांग की गई आपके द्वारा? देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रगान राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक रहा है और कल विधायक कप कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में, चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ के विधायक हैं, उनके इस कार्यक्रम में एक उद्घोषक थे कोई विवेक यादव जी, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। विश्राम की अवस्था में राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगान अधूरा गाया, जबकि राष्ट्रगान कनिका अधिनियम में लिखा हुआ है कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान पूरा होना चाहिए, सावधान की मात्रा में होना चाहिए और पूरे सम्मान और पूरी राष्ट्रीय गरिमा के साथ होना चाहिए। लेकिन विवेक यादव और राजनीतिक माहौल में इतने ढल गए थे कि वो राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भूल गए। दोनों पैरों से, जैसे किसी फिल्म में वो गाना गा रहे हो, किसी आर्केस्ट्रा में गाना गा रहे हो, दोनों पैर जोड़े थे और 48 सेकंड में उन्होंने अधूरा राष्ट्रगान गाया। अंतिम पंक्ति पूरी तरीके से वो नहीं गा पाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि राष्ट्रगान की अवमानना का प्रकरण उस व्यक्ति पर, उस संचालक पर, जिस प्रोग्राम के संचालन कर रहा था, उस पर दर्ज हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस अगला कदम क्या उठाएगी? देखिए, कांग्रेस आंदोलन वाली पार्टी रही है, अहिंसक आंदोलन करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से ये संदेश देने का कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता और भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है या उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी आम जनता के सामने और मध्य प्रदेश की जनता के सामने जाएगा कि किस तरीके से शिवराज चौहान की कथनी और करनी में बेसिक अंतर है। नसरुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।